बेटा, दिशा बेटा गुड मॉर्निंग, आकाश वाला ब्लॉग गुड मॉर्निंग, अपूर्वा गुड मॉर्निंग बेटा, गौरी सिंह गुड मॉर्निंग, निवेदिता गुड मॉर्निंग, प्रशांत सिंह गुड मॉर्निंग बेटा, अमन कुमार गुड मॉर्निंग, आयुष पांडे गुड मॉर्निंग, अपराजिता गुड मॉर्निंग। तो आई थिंक सारे बच्चे प्रेजेंट आ गए हैं। मैं लाइव क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं थोड़े समय के लिए एक क्लास थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ। पॉज कैसे होगा? सब लोग आ गए भाई? अरे कौन कौन आया है? चलिए बच्चों, मैं आ गया हूँ। एक्चुअल में चौक नहीं थी, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर टेकिंग चौक। सो इज एवरीबॉडी इज हियर? यस। श्रेया यादव गुड मॉर्निंग बेटा, आयुषी पांडे गुड मॉर्निंग। एक बात बोला, सबसे फिर जाता हूँ गुड मॉर्निंग बोल दिया जाए ताकि सबका नाम इतिहास में अमर हो जाए, क्योंकि ये वीडियो हमेशा रहने वाला है बच्चों। तो आप लोग जब बहुत बड़े हो जाओगे तो आप लोग कहोगे कि हम लोग जो क्लास 9 में थे तो हम लोगों के सर हम लोग पढ़ाते थे और हम लोगों को वीडियो में लाइव क्लास में नाम दिए। तो चलिए, अजय उपाध्याय गुड मॉर्निंग, नाइस डे बेटा। अमन कुमार गुड मॉर्निंग, हैव ए गुड डे बेटा। श्रेया यादव गुड मॉर्निंग, और किसी को भी गुड मॉर्निंग बोलना जिसका नाम छूट गया हो। उमेश त्रिपाठी गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज इतने ही। अपराजिता गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो? प्रिंस यादव गुड मॉर्निंग। आयुषी गुड मॉर्निंग बिटिया। अभिनव गुड मॉर्निंग। गौरी सिंह गुड मॉर्निंग। अरे कम से कम तो सारे क्लास के 9th बच्चे तो आना ही चाहिए। नगेंद्र यादव गुड मॉर्निंग। अपूर्वा गुड मॉर्निंग। विकास गुड मॉर्निंग। जया गुड मॉर्निंग। अनुष्का सिंह गुड मॉर्निंग। तो आई थिंक सारे बच्चे यही हैं, 25। और नीलाक्षी गुड मॉर्निंग बेटा। आयुषी पांडे गुड मॉर्निंग। आफरीन गुड मॉर्निंग बेटा। सुमित गुड मॉर्निंग। तो सारे बच्चे आए, आज मेरी सारी क्लास लाइव चलेगी, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो। तो आज सारे क्लास आप लाइव रहेंगे और मोस्ट ऑफ द क्लासेस आप किसी चलेंगे, फिजिक्स चलेगा, हिंदी चलेगा, मेरा क्लास चलेगा, SST भी चलेगा। तो सारे क्लासेस लाइव पे चलेंगे, तो सभी लोग बने रहिएगा चैनल पे, ठीक है? तो सभी लोगों को बोर्ड प्रॉपर दिख रहा होगा। मैं अपना रेंज ले लूं, मुझे इसके नीचे नहीं जाना। चलो इसके नीचे नहीं जाना और बोर्ड में इसके ऊपर नहीं जाना। चलिए, मैंने रेंज ले लिया बच्चों कि मुझे यहां से लेकर के इसके बीच तक, ठीक है? और भी कोई नया बच्चा आया भाई? ब्रजभूषण यादव गुड मॉर्निंग। निवेदिता गुड मॉर्निंग बिटिया। रिया चौधरी गुड मॉर्निंग। हाँ चलिए बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है जिसका नाम था क्लासिफिकेशन, और कल हम लोगों ने किंगडम फंजाई का एक्सप्लेन किया था। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे किंगडम प्लांट। ठीक है बच्चों, तो अपने अपने क्वेश्चन डाउट्स होंगे तो बोलते रहिएगा। गौरी बेटा, विपुल राय, श्रेया और कौन है, एंड सिटी ब्लॉगर आदित्य। भाई सर क्या नाम है? हाँ नहीं, पहले वाला शेड्यूल नहीं है, हो सकता हो कि मैं, आप लोग बस व्हाट्सएप क्लास में बने रहिएगा, टीचर्स अपने आप बताएंगे, ठीक है, कौन सी क्लास कितने बजे। हालांकि मेरे पास टाइम टेबल नहीं है लेकिन आपको बता दूंगा, ठीक है? तो पहला बिल तो मेरा रहेगा, अब उसके बाद दूसरे चैनल को उनका बिल रहेगा। मुझे जरा नेट स्पीड चेक करनी पड़ेगी। 19 KBPS गुड मॉर्निंग बेटा, यहाँ पे हो सकता है जियो का नेटवर्क चले,
अगर नहीं चल रहा तो क्या मैं जियो का नेटवर्क लगा देता हूं। मुझे लगता है मुझे जियो लगा देना चाहिए। हाँ भाई, अब देखिए क्लियर हूं, मैंने जियो सेट किया हुआ है। तो अगर जियो ने आप लोगों को तो आप लोग भी जियो जियो। अब जरा चेक कर लीजिए क्योंकि मैंने नेटवर्क बदला है, क्या अब इसमें वीडियो क्लियर है? नहीं तो मुझे अपना ये सेटअप वाईफाई के नजदीक लेके जाना पड़ेगा। क्लियर नहीं आ रहा है? ओके बेटा, तो अभी भी क्लियर नहीं है। ओके बेटा, मैं नीचे की क्लास में जाकर के वाईफाई से चलाता हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे शायद हो सकता है नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। ओके बेटा, अजय उपाध्याय, तो लाइन में बने रहिएगा, मैं जरा सा सेटअप को सब नीचे लगा के दिखाता हूँ, ठीक है? देख रहा हूँ हेलो स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आई एम क्लियर इन योर स्क्रीन। सचिन गुड मॉर्निंग बेटा, क्या बेटा मैं आप लोगों को क्लियर दिख रहा हूं? गोल्डन स्टार गेमिंग, साक्षी पांडे गुड मॉर्निंग, निवेदिता, हाँ चलिए। एक्चुअल में मैं आप वाईफाई रूम में आ गया हूँ, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा क्लासेस थोड़ा सा अच्छा चल जाए। तो कल से मैं आयुषी सिंह गुड मॉर्निंग बेटा, हाँ अब क्लियर आ रहा है, मैंने क्लास चेंज किया है। सचिन कुमकुम पाठक बेटा गुड मॉर्निंग, अभिनव त्रिपाठी गुड मॉर्निंग। चलिए तो सब लोग आ गए लाइव, तो मुझे तो प्रोसेस को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, हाँ कौन है? अमन कुमार गुड मॉर्निंग। तो अब ये मतलब क्लियर है कि सभी लोगों को मैं क्लियर दिख रहा हूँ? आप लोग कमेंट करके बताइए। दिव्यांशु, दीपांशु या, हाँ बेटा गुड मॉर्निंग। श्रेया गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक, तो अगर मैं आप लोगों को क्लियर दिख रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा रेंज दे दूँ, मुझे इसके उधर चल, अब मैं यहां से आपको बढ़ाता हूं दिखाई। चलिए बच्चों, तो लास्ट में हम कर रहे थे किंगडम प्लान, तो देखिए किंगडम प्लेंटी में खासियत क्या थी? किंगडम प्लेंटी की खासियत ये थी कि आखिर क्यों हम इस ग्रुप को कैटेगराइज करें, क्यों हम इस ग्रुप को नॉर्मल ऑर्गेनिज्म से अलग करें? तो किंगडम प्लेंटी की सबसे पहले खासियत होती है कि दे ऑल आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोट। इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी याद रखी रहिएगा कि इसमें यूनिसेलुलर एलगीज भी आते हैं, तो आप यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों लिख लीजिएगा। लेकिन हाँ, दोनों की खासियत यह है कि दोनों ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। दूसरी खासियत है दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट,
they contain chloroplast. इनके सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट कंपलसरी मिलेगा और जैसे मैंने आप सभी को बताया जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे वो सभी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जिन किसी में क्या कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। इनके तीसरी खासियत ये है कि जैसे बात है आप सभी को पता है ये प्लांट है और प्लांट है तो हर प्लांट की कैटेगरीज होती है कि उनके सेल जो होते हैं सर्वाइवल से कवर्ड हो, तो ये इसका खास कैरेक्टरिस्टिक है कि दे कंटेन या दे हैव सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ cellulose। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा हम यहां पर तीन टाइप के सेल वॉल पढ़ते हैं, एक वो सेल वॉल जिनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकान पाया जाता है, यानी जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सभी सेल वॉल से कवर होते हैं लेकिन उनका सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकान से कवर होता है। दूसरा आप बात है फंगस का, फंगस में भी सेल वॉल मिलते हैं लेकिन उनका सेल वॉल किसका बना होता है काइटिन से बना होता है। और ये तीसरा ऑर्गेनिज्म है कि इसके अंदर भी सेल वॉल मिलते हैं लेकिन इनका सेल वॉल किससे बना होता है सेल्यूलोज का बना होता है, इस बात को याद रखें। और इसके अंदर चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दे स्टोर देयर फूड इन फॉर्म ऑफ ये अपने फूड को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, इस बात को याद रखे रहिएगा। तो अगर एक प्लांट की कैटेगरीज को डालें तो ये इतने कैटेगरी होते हैं। अब इसमें भी एक खास कैरेक्टर आप देख सकते हैं कि इनकी कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है जिनकी बॉडी स्टेम रूट्स और लीफ में डिफ्रेंशिएट होती है और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जिनके बॉडी में स्टेम रूट्स और ये नहीं मिलते हैं। कौन से क्लास का है ये, कौन से क्लास का, ये 9 क्लास का है। तो दे आर आइदर थैरोफाइट और एम्ब्रियोफाइट। तो ये एक प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इनको अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लें क्योंकि मुझे अब अगला टॉपिक पढ़ना है। तो अब हमें अगला टॉपिक पढ़ना है किंगडम एनिमेलिया। तो क्या आप सभी लोग इसके स्क्रीनशॉट या इसको राइट डाउन कर चुके हैं, तो मैं किंगडम एनिमेलिया पढ़ाऊं, प्लीज रिस्पॉन्ड बच्चों। यस बच्चों, या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, हाँ कुमकुम ने ले लिया है, अभिनव ने भी ले लिया है और आयुषी ने भी ले लिया है। ओके बेटा, तो फिर मिलते हैं इसके अगले वाले क्लास में। अनुष्का ले लिया बेटा, आयुषी हाँ बेटा आपने भी ले लिया है। दिनेश चंद हाँ, श्रेया यादव सर किसका, जो मैंने पढ़ाया है इसका, अगर आप लिख चुके हों तो देखो लिखने के लिए मैं नहीं कहूंगा बच्चों क्योंकि थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन कम होता तो आपके पास उतनी की लिखने की आजादी नहीं होती, तो आप इस टॉपिक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं अगली क्लास। यहाँ पे डस्टर नहीं, जैसे स्टूडेंट्स आई एम कम बैक। चलिए सारे बच्चों ले लिया। तो बच्चों ये हाथ तक के सारे बच्चों को टॉपिक समझ गया, क्या किसी बच्चों को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? मैं तो कहेंगे सर ये अपना ही पढ़ाते चले गए, हम लोगों के मन में डाउट्स पूछने भी नहीं। हाँ किसी के मन में कोई डाउट्स है,
हम लोगों ने किंगडम प्लान को डिवाइड कर लिया। किंगडम प्लान की एक खासियत होती है, मैं रिविजन कर ले रहा हूँ, कि ये सभी यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर होते हैं, और सभी की खासियत होती है कि ये सभी यूकैरियोटिक होते हैं। अगर वो प्लांट है तो उनके सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट की खासियत क्या होती है कि जिन प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं वो सभी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, दैट्स मीन दे हैव द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद नेक्स्ट है इनका जो सेल वॉल होता है, सेल्युलोसिक बना होता है, जिसको हम लोग लकड़ी कहते हैं। अगर आप सेल्युलोज नहीं देखें तो किसी भी लकड़ी को देख लीजिए, दैट इज द एक कंपोनेंट ऑफ सेल्युलोज। उसके बाद इनका जो फूड स्टोरेज है, ये सबसे खासियत होती है कि जैसे आप लोगों ने कल मैंने बताया था कि फंगस के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में, लेकिन एक प्लांट के अंदर जो फूड स्टोर होगा वो स्टार्च के रूप में होगा, वो बात मैंने लिख दिया। और जो लास्ट वाला पोर्शन था, ये थोड़ा सा समझने में हाइड्रोफाइट का है। जैसे अगर आप बच्चों, आपके सामने एक एलगी रख दिया जाए, और आप सभी को पता है कि एलगी के अंदर एक केवल ग्रीन सा एक्सटेंडेड पार्ट होता है, उसमें न रूट्स होते हैं, न लीव्स होते हैं, न स्टेम। तो जिन प्लांट्स में रूट, स्टेम, लीव्स नहीं दिखाई देते हैं उनको थैलोफाइट्स कहते हैं। और वहीं पर एक आम का पेड़ रख दिया जाए, तो आम में आप एक क्लियर जमीन की तरफ जाती हुई जड़ देखेगी, ऊपर जमीन से ऊपर आपको एक मोटा सा ट्रंक दिखाई देगा जिसको आप तना कहेंगे, और उसकी ग्रीन पत्तियां जो एनवायरमेंट में फैल करके फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो उन सभी प्लांट को हम लोग एम्ब्रियोफाइट्स कहते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वो है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया कहते हैं एनिमल जिसमें एक छोटी चींटी से लेकर के बड़े से डायनासोर तक आते हैं, और एक छोटे से चिंपांजी से लेकर के गोरिल्ला और ह्यूमंस की कैटेगरी होती है। ये सभी किंगडम एनिमल्स में बिलोंग करते हैं। और खासियत क्या है, हम अगर अपने आप को प्लांट्स डिफरेंशिएट करें तो हमारे बॉडी और प्लांट की बॉडी में क्या अंतर है। कभी आप अपनी बॉडी को टच करिए तो आपकी बॉडी को पकड़ेंगे, जैसे खिंचाव महसूस होगा, जैसे ये लगे किसी ने आपकी बॉडी की चमड़ी को खींच रहा है। ऐसा आप पेड़ को चिमोटी काट के नहीं कर सकते, यानी आप खुद को तो चिमोटी काट सकते हैं लेकिन पेड़ को नहीं काट सकते। रीजन, क्योंकि पेड़ की बॉडी में एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग का नाम सेल्यूलोज, और वो सेल्यूलोज डेड होते हैं। तो यही वजह है कि पेड़ जो होते हैं कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी एक डेड लेयर की मोटी लेयर होती है जो उनको धूप, गर्मी, बरसात और बीमारियों से बचाता है। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, हम लोग स्वेटर पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, जैकेट पहन लेते हैं, उसके बावजूद भी बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों की बॉडी के ऊपर सेल्यूलोज नहीं पाया जाता, हम लोग सिंपल एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड एक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये वही प्रोटीन का बना हुआ लेयर है। तो चलिए आज अपने को डिफरेंशिएट कर ले, अपने को पता सकता है। तो एक एनिमल सेल की क्या खासियत है, अगर एक एनिमल सेल की खासियत आप बात करेंगे तो एनिमल सेल दे आर यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए हम यहां पर एक वर्ड देखते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब होता है कि इसमें आप अमीबा, पैरामीशिया इनको रख सकते हैं, ये सभी यूनिसेलुलर है। लेकिन मल्टीसेलुलर की हम बात करेंगे तो इसमें एक छोटे हाइड्रा से लेकर के जो विलुप्त होगा पानी की डायनासोर है उनको रख सकते हैं, और एक सबसे बुद्धिमान कैटेगरी ह्यूमन को भी रख सकते हैं। हम लोग सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो एक कॉमन कैरेक्टर, एक जो प्रोटोजोआ में भी कॉमन हो और एक बड़े से ह्यूमनॉइड स्ट्रक्चर में भी कॉमन हो, कौन 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 से कॉमन स्ट्रक्चर हैं जिनको हम लोगों को डिस्क्राइब करना है, और वही हमारे किंगडम एनिमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो दूसरी खासियत होती है ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनिमल आर यूकैरियोट्स। हम सभी कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स।
तीसरा दे लैक्स क्लोरोफिल। हम लोग अगर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है सो ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनिमल्स आर हेटरोफाइल। जितने भी एनिमल किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं वो सभी हेटरोट्रॉफिक होते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की खासियत होती है कि चलिए हमने कह दिया मल्टीसेलुलर हो गए, हमने कह दिया यूकैरियोटिक हो गए, हमने ये भी कह दिया कि ये सभी हेटरोट्रॉफिक का मतलब जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। लेकिन हम लोगों के अंदर जो फूड हम लोग बाहर से इंटेक करते हैं वो भी स्टोर होता है और वो स्टोर फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है। तो स्टोर फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन। यही एक खास कैरेक्टर है जो प्लांट को एनिमल से अलग करता है। मतलब अगर वो एनिमल होगा तो उसके अंदर स्टोर फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होगा और अगर वो प्लांट होगा तो उसके अंदर स्टोर फूड मटेरियल स्टार्च होगा। तो ये एक किंगडम एनिमल्स के क्या कॉमन कैरेक्टर है जो एक यूनिसेलुलर एल्गी मैंने यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ से लेकर के मल्टीसेलुलर किसी भी डायनासोर तक एक कॉमन कैरेक्टर कॉमन। उसके बाद अगर हम लोग यहां पर कुछ और भी डेवलपमेंट होता है तो वो है सेंस ऑर्गन के डेवलपमेंट और इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज। जैसे सिंपल सी बात यह है अगर आप एक स्नेल देखें तो उसके अंदर हो सकता है कि इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स उतना फास्ट ना हो। जैसे अगर आप एक स्नेल को अगर छोटा सा पिंच चुबा दें तो शायद वो उतना क्विक रिस्पॉन्ड ना करे। लेकिन अगर एक एनिमल जैसे एक लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हमारे और आप जैसे ऑर्गेनिज्म या बंदर को अगर एक छोटा सा पिंच चुबाए तो वो तुरंत रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर इतने स्ट्रक्चर में स्नेल और उसमें सब में काम है लेकिन अगर कुछ इसमें डेवलपमेंट हुआ है तो वो है ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन और न्यूरल बिहेवियर। यही कॉम्प्लेक्स होकर के हमारे और आप तक आ रहा है। इज दैट क्लियर? लेकिन इतने ही जो स्ट्रक्चर होते हैं इतने जो फंक्शन देखा है ये सभी एनिमल में काम होते हैं। ठीक है बच्चों? तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि सर किंगडम प्लांटी के क्लासिफिकेशन क्या है। तो आइए देख लेते हैं किंगडम प्लांटी को हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्लासिफिकेशन। तो इस नाते हम लोग किंगडम प्लांटी को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है? तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यहां से इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक एग्जाम में आने वाला है। यस सर, ये टॉपिक एग्जाम में आने वाला है। इस नाते इसको बहुत सिंसियरली आप देखेंगे। मैं इस बाउंड्री को लिखता हूं दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ चलो, तो अब हम कहते हैं किंगडम प्लांट। प्लांट किंगडम को हम जो क्लासिफाई करते हैं तो प्लांट को आप दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सब दो ग्रुप में कैसे? आपने बच्चों देखा होगा प्लांट की दो कैटेगरी होती है। एक प्लांट वो होते हैं जिसके अंदर फूल लगता है, फल लगता है और एक निश्चित ग्रोइंग टाइम होता है जिसमें उसके फूल और फल लगते हैं। तो ऐसे सभी प्लांट जिसमें फल और फूल लगते हैं उनकी कैटेगरीज अलग है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसमें फल और फूल दोनों नहीं होते। तो क्या आप ऐसे किसी प्लांट के बारे में जानते हैं? चलिए एक कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप मुझे किसी ऐसे क्वेश्चन के बारे में बता सकते हैं कि उसके अंदर फल और फूल लगता हो? चलो गौरी, आयुषी, अपराजिता, कोई भी बच्चा हो बताए। उस प्लांट का नाम बताना है जिसमें फल और फूल दोनों नहीं होता। देखें कितने लोगों का ब्रेन काम करता है। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ग्रास, वेरी गुड, प्रखर बिल्कुल सही। घास, घास में नहीं होता है। कैक्टस, बेटा अगर आपको जान करके आश्चर्य होगी कैक्टस में फूल निकलते हैं। निवेदिता बेटा तुम आंसर करो। यस, एनीबडी? ब्रायोफाइटा,
वाह क्या झनाटेदार आंसर बात है, जिसका मतलब था तुम खुद भी नहीं जानती होगी। नहीं वो आंसर सही है, आंसर सही है ब्रायोफाइट, लेकिन कैन यू गिव मी एक्सप्लेन द वन एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइट्स। सीना मेरा, ये क्या होता है सीना मेरा? सर कभी देखे नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, रिक्सिया, वेरी गुड बेटा, कौन से गूगल से खोज के निकाले हो? एलगी फ्रूट, बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड हिमांशु बेटा, बहुत अच्छा, एलगीज। हम देखिए बच्चों, हम कभी आपको ऐसे एग्जांपल्स के बारे में डिस्क्राइब नहीं करते हैं जो आपने कभी ना देखा और ना सुना। जैसे हमारी अपूर्वा है, उसने तो कह दिया सर ब्रायोफाइट्स, शायद उसको ब्रायोफाइट्स का मतलब खुद भी ना पता हो। एक और महोदय थे, हाँ विनीत कुमार जी, इन्होंने कह दिया रिक्सिया, तो मैं उनसे पूछूंगा बेटा एक रिक्सिया का प्लान मुझे खोज के दिखा दे। एलगीज बेस्ट एग्जाम्पल, आप सभी लोगों ने देखा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप किसी भी तालाब के किनारे चले जाएं तो आपको उसके अंदर बहुत सारे महीन महीन हरे हरे कलर के बहुत सारे खरपतवार दिख जाएंगे उसके अंदर, जो ग्रीन फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग एलगीज कहते हैं, और ये पानी में ही मिलते हैं, निश्चित तौर पर पानी में मिलते हैं। तो इन प्लांट्स के अंदर कभी फूल नहीं लगता। फल वाले में पूछूंगा तो आप लोग तुरंत बता देंगे हाँ फ्यूनेरिया, वेरी गुड, अच्छा बताया। फ्यूनेरिया का कॉमन नेम बता सकते हैं दिलीप जी? फर्न, हाँ ये सही है, चलो ठीक है। अगर फ्यूनेरिया और फर्न देखो, चलो मैं तुमको कॉमन बताता हूं। आप लोगों ने बरसात के दिनों में दीवारों पर लगने वाली एक मोटी सी मखमल सी काई देखी होगी, देखा होगा ना दीवारों पर एक मोटी सी लेयर पड़ जाती है कभी कभी, उसी को हम लोग कहते हैं फ्यूनेरिया, इज इट क्लियर? और जिसको आप फर्न कहते हैं, फर्न में बेटा सीड्स बनते हैं, इस नाते फर्न इज नॉट बिलोंग टू दिस कैटेगरी। हाँ आप डाल सकते हैं, फूल नहीं बनता है लेकिन फर्न नहीं बनता। मार्सेलिया, अरे बेटा तुम तुम्हारा गूगल तो बड़ा तेज है, ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। चलिए थैंक यू फॉर योर आंसरिंग, मुझे पता चलता है कि मेरे सारे बच्चे बहुत क्यूरियस हैं और आंसर बड़ा अच्छा देते हैं। चलिए आप सभी लोगों को आंसर देने के लिए धन्यवाद। तो चलिए, तो हम प्लांट की दो कैटेगरी बनाते हैं, एक वो प्लांट जिसमें फल और फूल नहीं लगते, प्लांट विच डोंट हैव फ्रूट एंड फ्लावर एंड द प्लांट विच हैव फ्रूट्स एंड फ्लावर। ऐसे प्लांट जिसमें फल और फूल होते हैं और जिसमें फल फूल नहीं होते, तो जिसमें भी फल और फूल नहीं होते हैं इनको कहा जाता है क्रिप्टोगैम्स, और जिनके अंदर फल और फूल मिलता है उनको हम लोग कहते हैं फिनेरोगैम्स। अब हम लोग क्रिप्टो मतलब क्या होता है, जहां कहीं पर भी आप लोगों ने देखा ना आजकल शेयर मार्केट में विशेष प्रकार की करेंसी चली, क्रिप्टो करेंसी नाम सुना होगा, जैसे बिटकॉइन का नाम सुना होगा, फलाना डॉगी कॉइन का नाम सुना होगा, बहुत सारे कॉइन हैं, इनका नाम क्या है क्रिप्टो, मतलब जो हमारे वर्तमान दुनिया में एग्जिस्ट न कर सके, जो केवल अपनी वर्चुअल दुनिया में ही रहे, मतलब आपको इंटरनेट पे ही है। अगर आप मार्केट से एक क्रिप्टो करेंसी लेकर के दुकान पे एक टिकिया भी खाने जाएंगे दुकानदार भगा देंगे, लेकिन उसकी वैल्यू आपके इंटरनेट एंड वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है, 28,000 का एक क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो मतलब होता है झूठा, कहीं पर भी अगर किसी भी नाम के आगे क्रिप्टो लग जाता है तो समझे झूठा। तो ऑर्गेनिक मतलब होता है प्लांट, यानी ऐसे प्लांट जिसके अंदर क्रिप्टो मतलब फल और फूल। मैंने आप लोगों ने आप पान का पत्ता देखा होगा, पान के पत्ते में एक कहावत है फल है फुलाए धागा भर फैलाए, नाम सुना होगा, मतलब जो फल भी नहीं देता फूलता भी नहीं लेकिन हाँ पत्तियां चौड़ी चौड़ी हो जाती हैं। तो ऐसे सभी प्लांट जिसके अंदर फल और फूल नहीं लगते उनको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोगैमस। अब इसके बेस्ट एग्जाम्पल में आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, फिनेरोगैमस का बहुत सारे जितने भी फल फूल वाले प्लांट हैं, आप गेंदे के फूल से लेकर के आम के प्लांट तक की बात जो करते हैं वो सभी फिनेरोगैमस। तो क्रिप्टोगैमस को हम तीन भागों में क्लासिफाई, ये सब वो ही वो प्लांट है जिनके अंदर प्लांट या फ्रूट्स नहीं होते। एक प्लांट की कैटेगरी को हम लोग थैलोफाइट्स कहते हैं,
दूसरे को हम लोग प्रायोफाइट्स कहते हैं और तीसरे को हम लोग टेरोफाइट्स। एक्चुअल बच्चों ये तो कैटेगरीज है, एक्चुअल में प्लांट के बॉडी में रूट स्टेम लीफ से डिफरेंशिएशन से बनी। अब क्या कहेंगे सर, थोड़ा सा मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, अब एक करके सब एक्सप्लेन कर देते हैं। तो चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं थैलोफाइट। याद रखेंगे तीन कैटेगरी बिलोंग की गई है क्रिप्टोगैमस की, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरोफाइट्स। अब इसके नीचे नहीं लिखा जा सकता क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कटे हुए आ रहे हैं। तो आई थिंक यू ऑल आर टेकिंग द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस पार्ट। यस, आप सभी स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो अब एक्सप्लेन करते हैं थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरोफाइट। तो चलिए स्टूडेंट आ जाइए, हम लोग एक्सप्लेन करते हैं थैलोफाइट। अगर बोलो तो सर थैलोफाइट क्या होता है, तो थैलोफाइट मतलब तो दोज प्लांट्स विच बॉडी आर थैलस इन शेप, बॉडीज प्लांट बॉडीज आर थैलस शेप। ऐसे सभी प्लांट्स जिसकी बॉडी थैलस है, तो आपके मन में फिर एक क्वेश्चन है सर थैलस क्या? थैलस कहते हैं प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड into root, stem and leaves. ऐसे सभी प्लांट जिनका बॉडी रूट स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं होता है उन सभी को थैलोफाइट्स कहते हैं। अब आपने देखा होगा अगर एग्जांपल दे दें तो आप लोगों ने मॉस देखा जिसको हम लोग अपनी भाषा में काई करते हैं, आपने एल्गीज देखी होगी, एल्गीज देखी होगी, और आपने अगर और कुछ देखा होगा तो टेरोफाइट होगा। तो स्टूडेंट्स तो मुझे लगता है कि मेरी क्लास ओवर हो गई होगी, आप लोग एक बार खड़ी होकर अपना मिला लें देख लें क्योंकि आपकी और आगे की क्लास इसी सेक्शन में इसी क्लास में चलनी है। सेकेंड ईयर है नहीं, ये अभी नाइन्थ है। तो एक बार टाइम चेक कर ले बच्चों, क्या कुछ टाइम बचा है कि हम लोग आगे पढ़ा सके? लाइकेन, रितिका लाइकेन बेटा इस कैटेगरी मत रखो प्लीज, लाइकेन इज ए स्पेशल कैटेगरी, दैट इज द सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गीज एंड फंजाई। अनार, अनार कौन सा एग्जाम्पल है बिल्कुल पढ़ा दीजिए, नहीं अभी दूसरे क्लास में ठीक है। तो बच्चों आज का ये क्लास मैं यहीं ओवर करता हूं। आई थिंक मुझे आप सभी लोगों को क्या अभिनव एक 10:19 हो रहा है सर, 10:20 पे खत्म होगा सर, 10:20 पे खत्म होगा। हाँ तो बेटा 10:20 पे टाइम ओवर हो जाएगा तो हाँ हो गया 10:20। तो ठीक है बेटा, और बाकी सब पढ़ाने के लिए बैठे हो आप लोग बैठे रहिएगा, आप लोगों के आज सारी क्लासेस लाइव चलेंगे ठीक है। तो बच्चों आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। 10:20 पे चालू हो रहा तो कैब में खत्म होगा सर 11:00 हो रहा है। अरे सर बड़ा मजा आया।